नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 29 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पे। देखिए, आज के जितने भी करेंट अफेयर हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आप जो है इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है आज के PDF की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप ऐसे ही GS और करेंट अफेयर की वीडियो का अपडेट पाना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाएगा। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 8वां एशियाई योग खेल चैंपियनशिप भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, ये राज्य आपका है केरल, और केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है ये आयोजन चल रहा है। तो याद रखिएगा कि 8वां एशियाई योग खेल चैंपियनशिप जो है भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जा रहा है। और देखिए, एक सबसे खास बात यह है कि ये चैंपियनशिप जो है ये एशियाई योग संघ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इसमें टोटल 12 एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले टोटल 450 प्रतिभागी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है 8वें एशियाई योग खेल चैंपियनशिप के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको आयोजन स्थल याद रखना है, केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है इसका आयोजन चल रहा है, और इससे जुड़े जितने भी अपडेट होंगे, मतलब जितने भी विनर्स होंगे उनके बारे में आपको बताता रहूँगा। और देखिए, केरल की बात कर लेते हैं। देखिए, केरल जो है इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, और केरल के गवर्नर हैं पलानी सामी सदाशिवम। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए, दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो देखिए, ये राज्य आपका है राजस्थान। और देखिए, ये जो पराक्रम पर्व प्रदर्शनी है ये राजस्थान के जोधपुर के सैन्य स्टेशन पर आयोजित की जा रही है। और देखिए, 2016 की बात है, 2016 में आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 29 तारीख को, ठीक है, 29 सितंबर को, और उसी की दूसरी वर्षगांठ पर जो है ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। और देखिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक है इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सर्जिकल स्ट्राइक किस डेट को हुआ था, तो ये हुआ था 29 सितंबर को। देखिए, 29 सितंबर 2016 की बात है, उस समय भारतीय सेना ने जो है उरी जम्मू कश्मीर में अपने बेस पर हुए हमले के जवाब में जो है जो आपका LOC है, ठीक है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसमें 7 आतंकवादी लॉन्च पैड पर जो है सर्जिकल हमले किए थे। देखिए, हुआ क्या था कि जो आपका जम्मू कश्मीर है वहाँ पर एक बेस है भारतीय सेना का जिसका नाम है उरी बेस, ठीक है, तो वहाँ पर जो है जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उन्होंने हमला कर दिया था, और हमारे कई सारे जवान जो है उसमें घायल हो गए थे और कुछ शहीद भी हो गए थे। तो इसी का बदला लेने के लिए जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, और इसकी डेट थी 29 सितंबर 2018। और इससे जुड़ी एक और खास बात है, अभी हाल ही में UGC ने कहा है कि जितने भी भारत में विश्वविद्यालय हैं ये 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाएंगे। और तीसरा प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को हर साल। तो याद रखना है कि वर्ल्ड रेबीज डे यानी कि विश्व रेबीज दिवस ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि 28 सितंबर को ही हम क्यों विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं? देखिए, 28 सितंबर को एक बहुत ही महान फ्रांसीसी केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट यानी कि एक रसायनज्ञ और सूक्ष्मजीव विज्ञानी थे जिनका नाम था लुईस पाशर। तो इनकी पुण्यतिथि भी 28 सितंबर को है। और देखिए, जो आपके लुईस पाशर हैं इन्होंने जो है दुनिया का पहला रेबीज का टीका जो है इसको विकसित किया था, तो इसीलिए जो है इनकी पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए 28 सितंबर को हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया है। ये पॉइंट याद रखना है। और देखिए, रेबीज के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, रेबीज जो है एक वायरल बीमारी है, और रेबीज जो है ये फैलता कैसे है मैं आपको अभी बताऊंगा पूरे डिटेल में। देखिए, जितने भी आपके जानवर होते हैं जिनके लार वगैरह टपकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया या फिर बंदर हो गया, तो इनके काटने से जो है आपका रेबीज का बीमारी फैलता है, ठीक है, उनके लार में जो है रेबीज का वायरस पाया जाता है। और देखिए, रेबीज का लक्षण क्या होता है? देखिए, अगर रेबीज हो जाएगा किसी व्यक्ति को तो उसको बुखार होगा, सर दर्द होगा, नाजिया होगी, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होगा, कन्फ्यूज़न यानी कि उसका जो है वो हर चीज़ में कन्फ्यूज रहेगा, मति भ्रम हो जाएगा उसका, हाइपर एक्टिविटी होगी उसके अंदर, एक्सेसिव स्लाइवेशन यानी कि उसके अंदर जो है लार का जो स्राव है वो बढ़ जाएगा यानी कि लार चपकेगा उसके जीभ से, और उसको जो है फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी से डर लगने लगेगा यानी कि उसको हाइड्रोफोबिया भी हो जाएगा, और उसको हेल्यूसिनेशन यानी कि मति भ्रम हो जाएगा, वो पागल टाइप का हो जाएगा बिल्कुल। और देखिए, उसको इंसोमनिया हो जाएगी, और उसको पार्शियल पैरालिसिस भी हो जाएगा यानी कि उसका शरीर जो है लगभग उसमें पूरी तरीके से नहीं, मतलब आंशिक रूप से उसको लकवा मार देगा। तो ये सभी लक्षण हैं रेबीज़ के, इनको दिमाग में बनाए रखिएगा। और देखिए, चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री JK अल्फोंस ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए, इस मोबाइल ऐप का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है अतुल्य भारत मोबाइल ऐप। और देखिए, जो भारत के केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं KJ अल्फोंस जी, इन्होंने अतुल्य भारत मोबाइल ऐप के साथ साथ
अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणीकरण कार्यक्रम को भी लॉन्च किया, और यहाँ पर इन्होंने एक वेबसाइट को भी लॉन्च की जिसका नाम है अतुल्य भारत वेबसाइट। यानी कि इन्होंने तीन चीज़ों को लॉन्च किया, पहला अतुल्य भारत मोबाइल ऐप, दूसरा अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणीकरण, और तीसरा अतुल्य भारत की एक वेबसाइट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए एक सबसे खास बात है जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आपके श्री केजे अल्फोंस हैं इन्होंने घोषणा की है कि भारत जो है ये 2019 में विश्व पर्यटन दिवस समारोह के लिए मेजबान देश होगा। और देखिए आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था। मैंने कल के करेंट अफेयर में बताया था और उसकी थीम भी बताई थी, और साथ ही ये भी बताया था कि 2018 का जो विश्व पर्यटन दिवस है इस समारोह का मेजबान कौन रहा इस साल। तो ये तीन चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है ताकि आपका जो है रिफ्रेश हो जाए, और जिन लोगों को नहीं पता वो कल का करेंट अफेयर देख लेंगे और वो जो है कमेंट बॉक्स में फिर बताएंगे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है अभी ये काम कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जिनका नाम है केजे अल्फोंस, इन्होंने अतुल्य भारत मोबाइल ऐप, अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणीकरण कार्यक्रम और एक अतुल्य भारत वेबसाइट को लॉन्च किया है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय लोकपाल खोज कमेटी की स्थापना की है। तो देखिए इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रह चुकी हैं, और देखिए इनके साथ साथ में प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं ए सूर्य प्रकाश, और पूर्व SBI की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति सुखा राम सिंह यादव इस पैनल के सदस्य होंगे, ठीक है। और देखिए ये जो 8 सदस्यीय लोकपाल का खोज कमेटी का पैनल है, ये जो है चयन करेगा लोकपाल के अध्यक्ष का और उसके सदस्यों का। यानी कि सीधे सीधे हम कहें कि जो 8 सदस्यीय ये कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई, ये सभी मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष बनाया जाए भारत का, और इसके सदस्यों के रूप में जो है किसको किसको नामित किया जाए। तो ये काम करेगी ये कमेटी, ये पॉइंट याद रखिएगा। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय लोकपाल खोज कमेटी की स्थापना की है। देखिए लोकपाल बहुत ही चर्चा का विषय है, 2012 से ही ये चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अन्ना हजारे ने 2012 में जब अनशन किया था लोकपाल के लिए, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ था। तो एक बार फिर से जो है ये मुद्दा जो है ज्वलंत हो गया है। अब जो है जो केंद्र सरकार है एक लोकपाल का गठन करने जा रही है भारत में, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव भी करने के लिए इसने कमेटी भी बना दी है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि रंजना प्रकाश देसाई जो है लोकपाल खोज कमेटी की जो है अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में इनको जो है केंद्र सरकार ने अध्यक्ष अपॉइंट किया है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में अखबारों में चर्चित सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। तो देखिए सबरीमाला मंदिर ये केरल में है, और ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में जो चीज़ें चर्चा में होती हैं वही एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो याद रखना है कि सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है, और हाल ही में इससे जुड़ी न्यूज़ क्या है कि केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर जो रोक लगी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हर उम्र की महिलाएं इस सबरीमाला मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकेंगी। तो देखिए केरल के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो केरल के बारे में ये फैक्ट याद रखिएगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित की गई G4 बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था। तो देखिए इसमें भाग लिया था भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। देखिए एक खास बात है, देखिए ये जो G4 की बैठक आयोजित की गई थी इसमें G4 के जितने भी मेंबर्स हैं, देखिए टोटल 4 ही मेंबर हैं, ठीक है। तो इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था, तो उस भारत की तरफ से इसमें जो है सुषमा स्वराज गई थी क्योंकि ये भारत की विदेश मंत्री हैं। और G4 की ये बैठक कहाँ पे आयोजित की गई ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आयोजित की गई संयुक्त राष्ट्र में स्थित भारतीय मिशन में न्यूयॉर्क में। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, इसका मुख्यालय भी आपका न्यूयॉर्क USA में है, ये मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। तो वहाँ पर जो भारतीय मिशन है यहाँ पर आयोजित की गई थी G4 की ये विदेश मंत्रियों की बैठक। और देखिए G4 में कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए G4 में 4 देश शामिल हैं, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। तो ये चारों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। और आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर के एयरपोर्ट को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये एयरपोर्ट जो है आपका इंदौर में स्थित है, और इसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो याद रखना है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है, और इंदौर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और इस हवाई अड्डे को जो है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार दिया गया है। और देखिए इसके साथ में एक और हवाई अड्डा है गुजरात का अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको भी जो है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 से सम्मानित किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा।
और देखिए नौवां प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमति प्रकट की है। तो देखिए इस देश का नाम है मोरक्को। तो याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत और मोरक्को ने रक्षा के क्षेत्र में यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है एक सहमति प्रकट की है। और देखिए इस संबंध में अभी हाल ही में मोरक्को के जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है अब्देल लतीफ लौदई और जो भारत की रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके बीच में जो है नई दिल्ली में एक बैठक में जो है ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए आपको जो है मोरक्को के रक्षा मंत्री का नाम याद रखना है, इनका नाम है अब्देल लतीफ लौदई। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के साथ ये समझौता हुआ है भारत के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच में। और देखिए मोरक्को की बात कर लेते हैं। देखिए मोरक्को जो है ये आपका एक अफ्रीकन कंट्री है, थोड़ा सा मैप में यहाँ पे दिख रहा है आपको जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे देखिए आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये मोरक्को है। और मोरक्को की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती है बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप मोरक्को की लोकेशन फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका मोरक्को लोकेटेड है। ठीक है, और देखिए मोरक्को की सीमाएं जो है ये लगती हैं अल्जीरिया के साथ, मारिटानिया के साथ और वेस्टर्न सहारा के साथ। और मोरक्को जो है इसकी कैपिटल है रबत और मोरक्को की करेंसी है मोरक्कन दिरहम। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको मोरक्को के बारे में भी। और देखिए दसवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कितने गैर आवश्यक उपभोग वाली वस्तुओं के आयात में कमी करने हेतु आयात शुल्क में वृद्धि की है। तो देखिए टोटल 19, ठीक है, टोटल 19 वस्तुओं के जो कि गैर आवश्यक हैं, ठीक है, इनके आयात में जो है कमी करने के लिए जो है इनके आयात शुल्क में वृद्धि कर दी है। और देखिए इसमें जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनको बता देता हूँ। देखिए इन गैर आवश्यक वस्तुओं में जो है जो आपका एसी है यानी कि एयर कंडीशनर है, इसको, रेफ्रिजरेटर को, वॉशिंग मशीन को और स्पीकर को, फुटवियर को, रेडियल कार टायर को, हीरे को, डायमंड को, महंगी धातुओं को, ट्रेवल बैग को इत्यादि को जो है शामिल किया गया है। और देखिए इसको क्यों किया गया है, देखिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2017-18 था, ठीक है, इसके दौरान इन वस्तुओं पर जो है टोटल 86,000 करोड़ रुपये का जो है व्यय था। तो इसी को कम करने के लिए और रुपये के अवमूल्यन को कम करने के लिए जो है ये फैसला लिया गया है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले संख्या याद रखनी है। ठीक है, टोटल 19 गैर आवश्यक उपभोग वाली वस्तुओं पर जो है इनके आयात शुल्क में वृद्धि की गई है ताकि इनका आयात जो है मतलब इनको विदेशों से भारत में कम मंगाया जाए। तो ये पॉइंट याद रखना है। और देखिए एक खास बात है, भारत के जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं इनका नाम है अरुण जेटली। ठीक है, और देखिए 11वां प्रश्न है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार यमन में जून 2018 से अब तक आम नागरिकों की मौत की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखिए ये परसेंटेज आपका जो है 100 से ज़्यादा है। ठीक है, 164% वृद्धि हुई है जो आम नागरिक हैं इनकी मृत्यु में। ठीक है, इनके मौत में देखिए जैसे आपके यहाँ दिवाली में पटाखे फूटते हैं इंडिया में, वैसे ही आपका यमन है। ठीक है, यहाँ पर कभी पटाखे फूट जाते हैं 24 घंटे 365 दिन। तो मतलब आप सड़क पर चल रहे हैं कब आपकी मृत्यु हो जाए, कब आप जो है किसी बम विस्फोट में आपकी कार उड़ जाए, आपकी मोटरसाइकिल उड़ जाए, आप खुद उड़ जाएँ, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए जो है जो अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया था आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट के अनुसार, इसने बताया है कि यमन जो है यहाँ पर जून 2018 से, ठीक है, अभी इसी साल की बात है, जून 2018 से अब तक जो है यमन में जो है जो आम नागरिक हैं इनकी मौतों की संख्या में जो है टोटल 164% की वृद्धि हुई है। तो समझ लीजिए एक तरीके से कहा जाए कि ये पृथ्वी का नर्क है। और देखिए जो आपका यमन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यमन की कैपिटल है सानास एडेन और यमन की जो करेंसी है यमनी रियाल है। और देखिए यमन की लोकेशन मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये चर्चा में है। देखिए ये आपका जो है वर्ल्ड मैप है और देखिए यहाँ पे कुछ मिडिल ईस्ट में आपका जो है यमन यहाँ पर लोकेटेड। और देखिए यमन जो है ये उत्तर में सीमा बनाता है सऊदी अरब के साथ और पूरब में सीमा बनाता है ओमान के साथ। और देखिए इसका जो दक्षिण सिरा है यमन का ये गल्फ ऑफ एडन और अरब सागर के साथ लगता है। और देखिए जो आपका पश्चिमी सिरा है यमन का ये जो है लाल सागर से लगा हुआ है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है यमन के बारे में। देखिए ये चीज़ें मैं क्यों बताता हूँ, ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं सभी परीक्षाओं के, तो उसी के अनुसार जो है मैं करेंट अफेयर तैयार करता हूँ ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए आपको ये करेंट अफेयर हर एग्ज़ाम में सफलता दिला सके। और देखिए 12वां प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इसराइल और किस देश के बीच संघर्ष सुलझाने के लिए दो देश सिद्धांत का समर्थन किया है। तो देखिए ये देश आपका है फिलिस्तीन। तो आप जो है इस चीज़ को याद रखिएगा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष को सुलझाने के लिए दो देश सिद्धांत का समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन बेटा तुम अलग हो जाओ और इसराइल बेटा तुम भी अलग हो जाओ, झगड़ा मत करो, शांति से रहो, जियो और जीने दो। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी जो आपकी इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तो इस मुलाकात में इन्होंने सलाह दी बेंजामिन नेतन्याहू को इस दो देश सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको।
तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। और देखिए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन आपके लिए पूछा था कि किस व्यक्ति को एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब है अमिताभ चौधरी, और 99% लोगों ने सही जवाब दिया था। तो एक्सिस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं अमिताभ चौधरी। और आज आपको बताना है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही में उस राज्य के बारे में बताइएगा कि उस राज्य में और भी कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर का वीडियो यही समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है, ताकि मेरे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।